हेलो फ्रेंड्स, गजाना ऑटो सर्विस एंड पार्ट्स में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम के मैं बारे में बताने वाला हूं, दोस्तों वो प्रॉब्लम ज्यादातर स्कूटर्स के अंदर आता है। और प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि गाड़ी जब हम स्लो करते हैं तो तुरंत ही बंद हो जाती है, और ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा ठंडी के टाइम पे आता है। तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम जब मैं जो बताने वाला हूँ, वो हमारे पास एक्टिवा उसके अंदर एक प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम का हमें सॉल्यूशन करना है। दोस्तों, अगर आपने आपकी गाड़ी के अंदर ये दिक्कत रहती है, कोई भी स्कूटर या मोपेड के अंदर, तो आप इसका सॉल्यूशन ऐसे कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि जब भी आप गाड़ी चालू करते हो और स्पीड ब्रेकर आता है तो आप स्लो करते हो, तुरंत ही गाड़ी बंद हो जाती है। आपने कार्बोरेटर रिपेयर करवा लो, कार्बोरेटर मतलब ठीक करवा लो, प्लग चेंज करवा लो, सब चेक करवा लो, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं होता। दोस्तों, ये प्रॉब्लम का जो कारण है, मेन रीजन, वो मैं पूरी डिटेल्स आपको दिखाने वाला हूँ। तो सीधा आपको गाड़ी के पास ले चलता हूँ और गाड़ी को दिखाता हूँ कि प्रॉब्लम रियल में क्या है। ठीक है दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, ये एक्टिवा ऐसा नहीं है दोस्तों, ये एक्टिवा हर कोई स्कूटर्स के अंदर ज्यादातर प्रॉब्लम रहता है, लेकिन एक्टिवा में जो ये प्रॉब्लम रहता है वो सबसे ज्यादा रहता है बंद होने का। ठीक है, तो अभी मैं इसकी चाबी ऑन की मैंने और आपको प्रॉब्लम दिखाता हूँ। देखो दोस्तों, ये लंबे सेल है। देखा दोस्तों आपने, ये गाड़ी लंबे लंबे सेल रही है और गाड़ी जल्दी चालू नहीं होती। जितनी भी किक लगाओ, सेल लगाओ, और इसका सॉल्यूशन करना है। अभी दोस्तों ये गाड़ी चालू हो गई है, अभी मैं जैसे ही रेस छोड़ दूंगा गाड़ी तुरंत ही बंद हो जाती है। देखो दोस्तों, अभी मैंने रेस लिया है, अभी गाड़ी का रेस छोड़ देता हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, ये गाड़ी बंद हो गई है। मतलब इसका प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको पूरा खोल के और कंप्लीट करके आपको दिखाता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हैं, मैंने ऊपर का जो पीछे का बोनेट होता है वो खोल लिया है, और उसका सॉल्यूशन दोस्तों यहाँ पे है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये कवर खोलूँगा, और इसको टॉप कवर बोलते हैं, इंजन का जो टॉप कवर होता है दोस्तों, उसको खोलूँगा मैं। और खोलने के लिए यहाँ पे एक 10 नंबर और यहाँ पे एक 10 नंबर, जो 10 नंबर के बोल्ट आते हैं, और ये पाइप है जो बाहर की साइड निकलती है। ठीक है, तो ये खोल लेते हैं हम पहले, और उसके बाद आपको दिखाता हूँ क्या करना है। गाइस, अभी खोल दिया है और मैं आपको दूसरी तरफ से कैमरे में दिखा देता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, ये है हमारा टैबलेट, ये इनलेट का, और ये नीचे रहा वो दोस्तों एग्जॉस्ट का है। ठीक है, और अभी हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे जो चक्कर दिया है आपको शायद दिख रहा होगा, 2 लिखा हुआ, तो हमें ये चक्कर जो है, सॉरी 2 नहीं, एरो दिया होगा। अभी चक्कर का जो टाइमिंग है हमें वो सेट करना है, पहले टाइमिंग सेट करेंगे, उसके बाद जो टैबलेट होते हैं वो देखेंगे। अभी दोस्तों, ये ऊपर का टैबलेट थोड़ा भी नहीं हिल रहा, और नीचे का जो टैबलेट है दोस्तों वो बिल्कुल हिल रहा है, आपको दिख रहा होगा। तो जो ऊपर का टैबलेट है दोस्तों, उसको हमें सेटिंग करना है। सबसे पहले हमें टैबलेट सेट करने से पहले टाइमिंग लेना ज़रूरी है। टाइमिंग मतलब ये चक्कर का टाइमिंग, कैमशाफ्ट का, और साथ ही में जो पिस्टन जब हमारा टॉप TDC पे होता है तभी हम ये चक्कर का टाइमिंग आता है, और चक्कर का टाइमिंग के साथ ही हम टैबलेट सेट करते हैं इसके। ठीक है, तो पहले मैं इसका टाइमिंग ले लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि टाइमिंग कैसे लेते हैं। तो गाइज, अभी टाइमिंग ले लिया है मैंने, और टाइमिंग कैसे लेते हैं तो दूसरी तरफ दोस्तों मैग्नेट जो होता है हमारा एक्टिवा का, उस तरफ से आप घुमा के भी ले सकते हो, और यहाँ से दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे 8 नंबर के 2 बोल्ट दिए होते हैं, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, दोनों, तो दोनों 8 नंबर के बोल्ट को आप 8 का जो रिंग होता है दोस्तों उसके थ्रू आप टाइमिंग ले सकते हैं घुमा के।
नहीं तो दूसरी तरफ से आपको मैग्नेट की तरफ से घुमाना पड़ता है, उधर भी टाइमिंग, उधर से भी आप टाइमिंग ले सकते हैं। अभी दोस्तों टाइमिंग की बात हुई तो टाइमिंग एक्टिवा का कैसा आता तो दिखा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे शायद आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एरो आता है, एक दो एरो आते हैं, ऊपर एक नीचे, और चक्कर के ऊपर लिखा होता है एक नंबर एंड दो नंबर। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो एक ऊपर की साइड आता है एंड दो, यहाँ पे दो लिखा हुआ है, दो वो नीचे की साइड आता है। ठीक है, तो ये एक्टिवा का टाइमिंग है। और अभी क्या करना है दोस्तों, अभी मैंने टाइमिंग ले लिया है, तो अभी मैं आपको वाल दिखा देता हूँ। जो टैपेट होते हैं हमारे वो बहुत ही टाइट है, देखो दोस्तों ये थोड़ा सा भी हिलता नहीं है। उसके कारण गाड़ी क्या होती है, सुबह में जब चालू करते हैं हम तो लंबे लंबे सेल ले दिए, तो हमें क्या करना है, ये जो टैपेट है इसके बीच में यहाँ पे थोड़ा सा क्लियरेंस रखना है, जिसके कारण वाल ठीक तरह से वर्क कर सके और गाड़ी चालू हो सके। ये वाल मतलब ये टैपेट इतना टाइट है कि पेट्रोल जाने की जगह रहती नहीं है, इतना खुलता नहीं है। ठीक है, तो अभी मैं नीचे का वाल दिखा देता हूँ। ये एग्जॉस्ट वाला वाल है दोस्तों, और ये बिल्कुल ढीला है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका वाल का क्लीयरेंस बढ़ाएंगे। तो मेरे ख्याल से दो तीन दिन पहले ही मुझे एक बाइक की कमेंट आई थी कि मेरी 3G गाड़ी या 4G की बात कर रही थी एक्टिवा के, तो उस गाड़ी के अंदर उनको गाड़ी जैसे स्लो करते तुरंत ही बंद हो जाती थी, और मैंने उनको मतलब कमेंट में जवाब दिया था ऐसा करो, लेकिन फिर सोचा चलो हमारे पास एक गाड़ी आई तो मैं उसका फॉल्ट ही आपको दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं इसका क्लियरेंस कैसे ठीक करना है वो आपको बताऊंगा। और इसका जो कंपनी क्लियरेंस होता है 0.4 to 0.5 mm आता है, और मैं इसका अपने हाथ से क्लियरेंस करता हूँ, क्योंकि मैं कभी फिलर गेज यूज़ नहीं करता, फिलर गेज के थ्रू ही कर सकते हैं। अगर फिलर गेज यूज़ ना करो तो अपने आप दोस्तों आपको इतना ध्यान रखना है कि गाड़ी का जो मतलब जो वाल होता है, वाल क्लियरेंस थोड़ा सा रहना चाहिए। हमेशा इनलेट वाल जो होता है दोस्तों उसका क्लियरेंस थोड़ा रहता है और एग्जॉस्ट का ज़्यादा रहता है। एग्जॉस्ट वाल का जो क्लियरेंस होता है, अगर आप इसमें 0.4 या 0.5 लगाओगे तो इसमें 0.678 लगेगा शायद। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखें दोस्तों। अभी ये जो ऊपर का जो इनलेट वाल है दोस्तों, ये थोड़ा सा भी हिलता नहीं है, तो हम इसका क्लियरेंस बढ़ाएंगे थोड़ा सा बीच में से। और क्लियरेंस कैसे बढ़ाना है मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके लिए क्या टूल्स चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों 8-9 नंबर का रिंग पाना या फिक्स पाना चाहिए, और साथ ही में एक चाबी चाहिए, इसको हम टैपेट चाबी बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर ऐसी होल जैसी जगह दी होती है जो यहाँ पर लॉक हो जाती है, तो अभी कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी इसका क्लीयरेंस कैसे बढ़ाएंगे, तो सबसे पहले जो यहाँ पे जो नट दिया हुआ है उसके अंदर हम पाना बिठाएंगे। ठीक है, अभी पाना बिठा दिया है और मैं इसको ढीला करूँगा। ठीक है, अभी ढीला कर दिया है। अभी मैं दोस्तों इसको ये टैपेट चाबी आती है उससे पहले ये लगा के टैपेट चाबी बिठा देता हूँ, और टैबेट जो होता है हमारा ये चाबी, वो चाबी को ढीला करूंगा हल्के से। ठीक है, अभी फिर मैं इसको वापस टाइट करूंगा। अभी दोस्तों ये थोड़ा सा ढीला हो गया होगा। ठीक है, अभी फिर से एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, और जो चक्कर है हमारा ये टाइमिंग चक्कर, दोस्तों टाइमिंग चक्कर को मैं एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा मैग्नेट तरफ से, और फिर से टाइमिंग ला के फिर देखूंगा, क्योंकि कई बार क्या होता है टैपेट आप ढीला करो तो उतना ढीला दिखाते नहीं है, और एक चक्कर घुमाते हैं या किक लगाते हैं तो जो जगह होनी चाहिए अपने आप जगह हो जाती है। तो अभी एक बार मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेता हूँ चक्कर को, और फिर आपको दिखाता हूँ टैपेट कितना ढीला हुआ है। तो गाइज़ एक बार मैंने चक्कर मतलब किक लगा के चेक कर लिया,
और कॉम्प्रेशन एक चक्कर घुमा दिया है और बाद में फिर से टाइमिंग लाया, और टाइमिंग यहाँ पे एक देख सकते हैं आप, फिर से टाइमिंग ला के मैंने इसका टेम्परेचर चेक किया तो देखो दोस्तों अभी ये बीच में गैप हो गई है। ठीक है, तो इनलेट वाल की जो क्लियरेंस होती है उससे ज़्यादा एग्जॉस्ट वाल की क्लियरेंस रहनी चाहिए, और एग्जॉस्ट वाल ज़्यादा हिलता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये दोस्तों MM की गैप में आता है, तो थोड़ी ध्यान से कीजिए, अगर आप ज़्यादा करोगे तो गाड़ी आवाज़ ज़्यादा करेगी टेम्परेचर का, और इससे इंजन को भी थोड़ा नुकसान रह सकता है। ठीक है, तो अभी ये कर दिया है मैंने, अभी मैं इसका फिर से जो ऊपर का टॉप कवर होता है वो वापस से फिट कर देता हूँ। और साथ ही में दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ और जिससे आपको आपकी गाड़ी के लिए हेल्पफुल रहता है। तो दोस्तों हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं इसका टॉप कवर लगा देता हूँ और दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों ये है इसका टॉप कवर। ठीक है, और टॉप कवर के अंदर आप देख रहे होगे यहाँ पे जगह दी होती है चारों तरफ, जो यहाँ पे जो ओरिंग आती है दोस्तों, ये ओरिंग इसके अंदर बैठनी चाहिए, नहीं तो दोस्तों लीकेज रहता है। और साथ ही में जो हमने 2 10 नंबर के बोल्ट खोले दोस्तों, उसके ऊपर भी एक 2 ऑयल सील आती है यहाँ पे। कई बार क्या होता है बोल्ट के साथ निकल जाती है, कई बार यहाँ पे चिपकी रहती है, तो ध्यान में रखे खोले तब। और यहाँ पे जो ओरिंग हमने ये टॉप कवर निकाला, तो ओरिंग ठीक तरह से इसके अंदर बैठनी चाहिए, अगर ठीक तरह से नहीं बैठेगी तो ऑयल नीचे लीकेज होगा, और लीकेज के कारण इंजन भी पूरा खराब होगा, साथ ही में गाड़ी के अंदर से ऑयल कम हो जाएगा। तो अभी मैं इसको लगा देता हूँ आपके लिए, मैंने इसीलिए मतलब बताया कि आप ध्यान में रखें ये चीज़। ठीक है, तो मैं इसको फिट कर देता हूँ, फिट करके आपको चालू करके गाड़ी दिखाता हूँ। तो गाइज आप देख सकते हैं जो टॉप कवर की रिंग है ठीक तरह से आप यहाँ पे बैठ गई है, और नीचे की तरफ भी मैंने चेक कर लिया है। ठीक है, तो अभी इसमें दोस्तों बाकी कुछ रहता नहीं है, ये पाइप लगानी है, पाइप नहीं लगाओगे तो आवाज़ आता है इंजन से करके, ठीक है, एयर का। तो अभी पाइप भी बिठा दी, और अभी चाबी ले लेता हूँ मैं, और गाड़ी चालू करते करो, चालू रेस छोड़ दो। ठीक है दोस्तों, अभी देख सकते हैं बिल्कुल गाड़ी कुछ भी सेटिंग किए बिना ही कंप्लीट स्लो चल रही है। दोस्तों वाल की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा एक्टिवा के अंदर रही है, और एक्सेस के अंदर दोस्तों इसमें एक्सेस में क्या होता है, अगर आपके वाल चले जाते हैं तो उसके साथ आपको सीट का भी काम करवाना पड़ता है, अंदर जो सीट आती है वाल की इसका भी काम करवाता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, एक्टिवा में ये प्रॉब्लम कुछ नहीं रहती। अभी मैं बाहर से फिर से आपको चालू करके दिखा देता हूँ। ठीक है, और ये गाड़ी 31,000 घूमी है, शायद मीटर बंद है पार्टी का बोलना था। ठीक है दोस्तों, अभी देख सकते हैं आप बिल्कुल सही चल रही है, मतलब जो प्रॉब्लम है वो वाल का ऊपर का टैपेट का प्रॉब्लम रहता है, ऊपर जो इनलेट वाल होता है उसका प्रॉब्लम रहता है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको पूरा वीडियो अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, और इसी तरह के मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही था दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ ही में बेल आइकन को दबाइए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों, ताकि मैं आप जो भी वीडियो डालूँ सीधा आपकी नोटिफिकेशन स्क्रीन पे आ सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, जय हिंद, वंदे मातरम।